जख्मों को मेरे मरहम की जगह, बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में जो कार्टून लिरिक्स वीडियो देखे, इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार, अभी के समय इंस्टाग्राम रील्स में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में है। अगर आपको क्रिएट करना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और कौन सा फॉन्ट यूज करूंगा, कौन सा इफेक्ट इमेज में ऐड करूंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको तीन और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मेरा फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो आपको अगर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में चल जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपको फोटो पसंद है। यहाँ पर आपको सर्च वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। सर्च वाला आइकन में जाकर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है क्यूट कपल कार्टून, तो आपको बहुत सारा फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी फोटो पसंद है फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में आपको थ्री डॉट मिलेगा, क्लिक करना है और आपको डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फोटो जो है यहाँ पे इजीली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिंटरेस्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फोटो डाउनलोड कर लेने एंड अब क्या करना, आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन में आ जाने एंड यहाँ पे आपको ऐड कर लेने फोटो। तो देख सकते हो मैंने फोटो ऐड कर ली हूँ। फोटो ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना, यहाँ पे आपको फोटो का जो रेशियो यहाँ पे आपको सेट कर लेने। तो ऊपर में कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करने 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 कर लेने और फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेने, ठीक है। तो मेरा फोटो यहाँ पे सेट हो चुका है एंड यहाँ पे अब क्या करना है, फोटो का जो ड्यूरेशन लॉन्ग कर लेना, मतलब जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है उतना सेकंड मिनट में कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन जाकर पेंसिल आइकन में जाना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो डेमो के लिए हम 15 सेकंड का क्रिएट कर रहा हूँ। देन ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लें। तो ड्यूरेशन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे 15 सेकंड का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ओके। एंड वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे फोटो को अब आपको एडजस्टमेंट कर लेना है हल्का सा थोड़ा बहुत। तो फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। एडजस्ट वाला ऑप्शन जाकर सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटा लेना, -5 या फिर -10 में कर लेना और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को +5 में कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड और यहाँ पे सैचुरेशन को भी +5 में कर लेना और यहाँ पे आपको विग्नेट वाला ऑप्शन मिलेगा, विग्नेट को +50 में करना है, ठीक है। और यहाँ पे शार्पन को भी +50 में कर लेना है। आफ्टर एंड बिफोर का फोटो देख सकते हो, सो पहले से अभी का फोटो सही लग रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है एडजस्टमेंट। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है, ठीक है। तो फोटो मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा एंड अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो में एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है स्नो ग्लोब करके नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे AI इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा एक ऑप्शन। अगर आपका इन शॉर्ट ऐप में AI इफेक्ट नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन शॉर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको AI इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेलिब्रेट वाला ऑप्शन जाकर यहाँ पे देख सकते हो स्नो ग्लोब वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखते हो तो फोटो में कुछ इस तरह से इफेक्ट जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी फोटो आप ऐड करोगे उस फोटो में इस तरह से इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका स्नो का वैल्यू बढ़ाना है तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, घटाना है तो इस तरह से आप घटा सकते हो। तो मीडियम में हम रख देता हूँ, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके इसका जो ड्यूरेशन है एकदम आपको लॉन्ग कर लेना है, इफेक्ट का ड्यूरेशन देख सकते हो मेरा हो चुका है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको लिरिक्स लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक ब्लैक शेडो इमेज को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो PIB वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फोटो वाला ऑप्शन जाकर ये ब्लैक शेडो इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, देख सकते हो। एंड फुल स्क्रीन पर करना है कुछ इस तरह से एंड हल्का सा आपको यहाँ पे ब्लैक शेडो को रखना है एंड ये इमेज का भी ड्यूरेशन को लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो मेरा हो चुका है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके एंड यार, इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब क्या करना है, आपको अब लिरिक्स लिखना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करना पड़ेगा। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है, माई म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए हम एक बार सुना देता हूँ आपको।
देख सकते हो ये वाला मेरा सॉन्ग है। तो उस वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आने, आने के बाद यहाँ पे टी वाला ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है। तो जख्मों को मेरे, तो यहाँ पे जख्मों को मेरे, ठीक है, लिख लिया हूँ, लिख लिया हूँ। लिखने के बाद अगर आपको कलर चेंज करना है लिरिक्स में तो कलर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, बहुत सारा कलर देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी कलर पसंद है उस कलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, शेडो को एनेबल कर लेना है इस तरह से, मतलब ऐड कर लेना है शेडो को, ओके। एंड इस तरह से आपको दोनों को एक्स वाई को जीरो रखना है, कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, आपको एकदम बराबर रखना है। देन आपको डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपको एक फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉन्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट ऐड करना है तो ये जो आइकन मिलेगा डाउनलोड जैसा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फाइल मैनेजर आपको ओपन हो जाएगा, तो आपको फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है और आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, तो जिसका नाम है बेसी जैसा नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हल्का सा छोटा कर लेना है, देन आपको नीचे में यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है इस जगह पे, ओके। एंड लिरिक्स में अगर आपको एनिमेशन ऐड करना है तो यहाँ पे बिंदु वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है और इन एनिमेशन में आपको ये वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है, फर्स्ट पे जो एनिमेशन है, और इसका टाइम ड्यूरेशन को लॉन्ग करके और आउट वाला ऑप्शन में जाकर आपको ऑफ कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके और इसका जो ड्यूरेशन है एकदम आपको लॉन्ग कर लेना है कुछ इस तरह से, और शुरू से आपको सुनना है और एक एक करके आपको यहाँ पे लिरिक्स को लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग को सुन लेते हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ से मेरा सेकंड लिरिक्स स्टार्ट है। तो यहाँ पे लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन जाकर इसको कट कर लेने और सेकंड लिरिक्स को यहाँ पे लिख लेने, मर हम की जगह, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिख लेना। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके देख सकते हो सेकंड लिरिक्स भी मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो चलिए हम एक एक करके पूरा लिरिक्स को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा लिरिक्स लिख लिया हूँ, देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा लिरिक्स को मैंने लिख लिया हूँ। तो चलिए शुरू से एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे अब आपको इमोजी ऐड करना है, ठीक है। तो इमोजी ऐड करने के लिए यहाँ पे टी प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कीबोर्ड है उसका इमोजी को इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। जो भी इमोजी आपको पसंद है उस इमोजी के ऊपर क्लिक कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड आपको यहाँ पे डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके ना और यहाँ पे एक आईफोन वाले इमोजी का फॉन्ट दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको ये आईफोन वाला इमोजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आईफोन जैसे इमोजी ऐड हो जाए, आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके ये इमोजी को हल्का सा आपको नीचे में यहाँ पे ऐड कर लेना है, छोटा करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना। देन इसका जो ड्यूरेशन है एकदम आपको लॉन्ग कर लेना है। अगर आपको अलग अलग इमोजी ऐड करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इमोजी को कुछ इस तरह से स्प्लिट कर लेना है लिरिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जाना है और एडिट वाला ऑप्शन जाकर अलग अलग इमोजी भी आप ऐड कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन जैसे इमोजी ऐड हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से आपको कर लेने, सब फॉन्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे जो वीडियो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके, तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक भी कर लेना। एंड अब क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, फ्रेम रेट इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो इस तरह से आप कार्टून लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आई होप कि आपको सब स्टेप समझ आ चुका है।